शुरू यहां से करते हैं कि बजट मतलब क्या। सरकार का बजट साल में एक बार प्रस्तुत होता है, वैसे वो काफी कुछ फेरबदल बजट के आगे पीछे भी करते रहते हैं, लेकिन बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था का ओरिएंटेशन क्या होने वाला है वो समझा जा सकता है। बजट के ठीक पहले एक इकोनॉमिक सर्वे भी प्रस्तुत होता है जिसमें पिछले साल के की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा और वर्तमान स्थिति क्या है वो भी उसमें शामिल होती है। जो मुख्य बजट है उसमें देश का जो विदेशी लेन देन है, मतलब जो एक्सटर्नल अकाउंट्स हैं, यानी देश का कर्जा कितना है, व्यापार घाटा कितना है वगैरह वगैरह, ये मुख्य बजट में नहीं आता, इसके आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में मिलते हैं। वैसे कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को समझना हो तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल अकाउंट्स भी और इंटरनल अकाउंट्स। लेकिन चूंकि हम आज बजट पे ही बातचीत कर रहे हैं और यही काफी समय लेने वाला है, तो इसलिए हम लोग जो देश की विदेशी अर्थव्यवस्था है, यानी हमारा जो दुनिया के अलग देशों से जो लेन देन है, देश का कर्जा कितना बढ़ गया है वगैरह, उस विषय को आज हम नहीं टच करेंगे। उस पर हम लोग वैसे भी कई बार बोल चुके हैं, तो आज वो रहने देते हैं, आज देश के बजट के ऊपर बात करते हैं। तो बजट का मतलब ये होता है कि सरकार की कुल आमदनी और सरकार के कुल खर्चे, इसका वो एक लेखा जोखा, यानी बजट इज इक्वल टू टोटल इनकम्स या रिवेन्यूज इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर्स, यानी रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर मैच होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर, यानी बजट में कुल मिलाकर पूरी सरकार की आमदनी कहां कहां से होगी और सरकार के साल भर के खर्चे क्या क्या होंगे, ये सारा कुल मिलाकर बजट में मिलता है। तो हम बजट का विश्लेषण एक दूसरी जगह से शुरू करते हैं जिसे आम तौर पर कोई टच नहीं करता, लेकिन वो आज बजट का केंद्रीय पहलू बन गया है। लेकिन क्योंकि वो एक होली काउ बन गई है, अब तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलने वाला है ना, तो फिस्कल डेफिसिट को भी वही, मतलब इसको हमको राष्ट्रीय आंकड़ा या कुछ नाम दे देना चाहिए कि उसको टच नहीं किया जा सकता, यानी उस पर बातचीत नहीं की जा सकती, वो है फिस्कल डेफिसिट। ये एक ऐसा अर्थशास्त्रिक आंकड़ा है, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक है, जिसके बारे में सारे अर्थशास्त्री ये मानकर चलते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज्यादा होना क्या है, मैं भी समझाता हूं, फिस्कल डेफिसिट का ज्यादा होना बहुत बुरी चीज है और फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। जेटली जैसे ही प्रधानमंत्री, ये वित्त मंत्री बने, उनका पहला महत्वपूर्ण वक्तव्य यही था कि सरकार का इमीडिएट फोकस, ये उन्होंने 2014 में वित्त मंत्री जब वो बने उसके बाद का स्टेटमेंट है, कि सरकार का इमीडिएट फोकस होगा वित्तीय टूट को या फिस्कल डेफिसिट को और कम करना। आप सारे अखबार उठाकर देख लीजिए, इस साल जब जेटली ने कहा कि हम फिस्कल डेफिसिट को उतनी जल्दी कम नहीं कर पा रहे, थोड़ा डीले कर रहे हैं एक साल से, उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 3%, तो उन्होंने कहा कि वो टारगेट था 2016-17, उन्होंने कहा कि हम इसको 17-18 में अचीव करेंगे, तो जैसे ही उन्होंने एक साल पोस्टपोन करने की बात कही, कई लोगों ने उसकी आलोचना की, यानी इतना भी टॉलरेंस नहीं है। और सारे अर्थशास्त्री, सारे नामी गिरामी अर्थशास्त्री, आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि सभी ये मानकर चलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट के नजरिए से बजट को देखा जाए, बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और इसीलिए कोई इसको टच नहीं करता, क्योंकि ये एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता है कि जैसे ही इसमें हाथ डालोगे, भन 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 करके सारे बजट के चिथड़े उड़ जाते हैं। तो देखिए आगे, ये उसकी परिभाषा है फिस्कल डेफिसिट की, यानी हमने अभी बात की बजट का मतलब है कुल आमदनी इज इक्वल टू कुल एक्सपेंडिचर्स, लेकिन आमतौर पर सरकार की आमदनी
सरकार के कुल खर्चों से कम होती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको सरकार पूरा करती है बोरोइंग्स करके, बाजार से बोरो करके। तो ये जो बोरोइंग्स हैं इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीप्ट, यानी सरकारी रिवेन्यूज, यानी सरकारी बोरोइंग्स कितनी है, ये हुआ वित्तीय सूत्र। अब सरकार की जो आमदनी है उसमें दो प्रकार है, एक टैक्स की जो आमदनी होती है, और टैक्स की आमदनी का मतलब है फिर जो कॉरपोरेट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इन सामानों पर जो कर लगता है, आमदनियों पर जो कर लगता है, यानी डायरेक्ट टैक्स, ये सब मिलाकर टैक्स की आमदनी होती है। और आमदनी का दूसरा प्रकार है नॉन टैक्स रिवेन्यूज, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो अपना प्रॉफिट सरकार को देती हैं, या फिर सरकार जब शेयर्स डिसइन्वेस्ट करती है, आजकल प्राइवेटाइजेशन बड़े जोर शोर से चल रहा है, तो वो सब भी सरकार, या भी स्पेक्ट्रम उन्होंने बेचा तो वो भी सरकार की आमदनी हो गई। तो ये सब कुल मिलाकर सरकार की आमदनी, और सरकार के खर्चे वही जो पूरे बजट में जिसका वर्णन है। यहां पर एक और बात बता दें, पहले सरकार नोट भी छापा करती थी, बोरोइंग्स यानी सरकार का जो घाटा था उसको पूरा दो तरीकों से किया जाता था, पार्टली नोट छापती थी और पार्टली बोरो करती थी। नोट छापना एक ज्यादा बढ़िया और ज्यादा सस्ता तरीका है, ये स्थापित बात है। ग्लोबलाइजेशन शुरू होने के पहले 91 के पहले असल में कोई फिस्कल डेफिसिट की बात ही नहीं करता था, ये शब्द मिलता ही नहीं है बजट डॉक्यूमेंट्स में, जो मिलता है वो है बजट डेफिसिट, यानी कुल मिलाकर जो घाटा है उसमें से एक हिस्सा नोट छापते हैं, एक हिस्सा बोरो करते हैं। लेकिन विश्व बैंक ने शर्त लगा दी भारत के ऊपर कि नोट छापना बंद करो, तो हमने नोट छापना बंद कर दिया आज्ञाकारी बालक के जैसे। तो इसके चलते अब नोट नहीं छापे जाते, सिर्फ बोरो किया जाता है। वो मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, यानी कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अब सरकार नोट नहीं छापती, सिर्फ मार्केट से बोरो करती है, और वो बोरोइंग्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। अभी वही जो मैं पहले रख रहा था कि अब मजेदार बात है, देखिए फिस्कल डेफिसिट ये शब्द पहले मिलता ही नहीं बजट में, यानी ये देश 40 साल बिना फिस्कल डेफिसिट की परवाह किए चला। फिर जैसे ही ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, विश्व बैंक ने शर्त लगाई, फिस्कल डेफिसिट की बात शुरू हो गई, और उसके बाद से सरकारें लगातार कोशिश करती रही हैं फिस्कल डेफिसिट को कम करने का, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, उसके बाद चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, और उसके बाद अब मोदी और जेटली की सरकार हो, सभी फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात करते हैं। और चिदंबरम और उनके पहले प्रणब मुखर्जी ने फिस्कल डेफिसिट लगातार कम किया, आप देखिए 5.7% से 2013-14 में वो 4.5% पे लेकर आए, और चिदंबरम ने जब चुनाव घोषित हुए तो इंटरिम बजट प्रस्तुत किया था, उस समय उन्होंने टारगेट रखा था 4.1%। जब मोदी की सरकार बनी तो जेटली ने घोषणा की कि चिदंबरम का टारगेट कठिन है, डॉन्टिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया। इस साल के बजट में घोषणा की है कि हमने पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.1% था, और उसके साथ ही जेटली ने यह कहा कि अगले 3 सालों में फिस्कल डेफिसिट 3% ले आएंगे, इस साल का टारगेट है 3.9%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डायवर्शन लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि उतना टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी पूरे व्याख्यान होने में। कुल मिलाकर ये फिस्कल डेफिसिट की थ्योरी पूरी फ्रॉड है। कीन्स इसको बोलते हैं और कोई नहीं, जॉन मेनार्ड कीन्स, 20वीं सदी के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, और वो इस व्यवस्था के अर्थशास्त्री थे। इंग्लैंड के काफी लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिका में भी बहुत मान था। उन्होंने, उनकी जो सबसे मशहूर किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस किताब में उसके पहले यह माना जाता था कि सरकारों को एक बजट अपना बैलेंस करना चाहिए, यानी वही डेफिसिट जीरो होना चाहिए। कीन्स ने उसको डिमोलिश किया अपनी किताब में और बोला कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में बेकारी है और गरीबी है, तो उस अर्थव्यवस्था में
सरकारों को अपना बजट घाटा बढ़ाकर यानी नोट छाप करके या बोरो करके यानी वित्तीय टूट बढ़ाकर सरकारों को अपने खर्चे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सरकार यदि अपने खर्चे बढ़ाती है तो उससे अर्थव्यवस्था को जो फायदा होता है उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। कि इतना ही सरकार यदि इतना ही करे कि गड्ढे खोदे और बुझाए तो उससे जो रोजगार पैदा होगा, क्योंकि जिन लोगों को रोजगार मिलेगा वो कुछ सामान खरीदेंगे, वो कुछ सामान खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड क्रिएट होगी, वहां पर भी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर वहां पर भी रोजगार पैदा होगा और इस तरह से एक साइकिल शुरू होगी कि कुल मिलाकर इकोनॉमी में रोजगार बढ़ेगा, कंपनियों का नफा बढ़ेगा और सरकार को पैसे वापस आ जाएंगे। ये कीन्स कहते हैं और कोई नहीं, ये कीन्स की थ्योरी। आज तक इसको चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि सही बात यह है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर टू के बाद अधिकांश देश कीनिशियन इकोनॉमिक्स को ही फॉलो करते थे। आज तक जापान में जिन जिन देशों में जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, विकसित देशों की मैं बात कर रहा हूं, कीन्स बात करते हैं, यह थ्योरी ज्यादा लागू होगी गरीब देशों के लिए यानी भारत जैसे देशों के लिए, लेकिन भारत की बात छोड़िए, जापान जैसा देश आज तक, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी काफी मंद चल रही है, लगभग 0% ग्रोथ रेट है, तो जापान आज तक फिस्कल डेफिसिट बहुत ऊंचा रखे हुए है। अमेरिका में जब इकोनॉमी क्रैश की 2008 में तो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट उनका 10% से ऊपर पहुंच गया था, भारत का उससे काफी कम है। तो जब ये कहते हैं और सारे अर्थशास्त्री इसका डिंडोरा पीटते हैं, बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि फिस्कल डेफिसिट कम होना चाहिए, तो सब सरेआम झूठ बोलते हैं। ये कोई नहीं बताता कि दुनिया के विकसित देश भी इस थ्योरी को नहीं मानते, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से थ्योरी को आगे पीछे करते रहे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में यह थ्योरी लागू थी कि वित्तीय टूट अच्छी चीज है, कीन्स की इकोनॉमिक थ्योरी लागू थी। 80 के दशक में, अब वो एक दूसरी कहानी है जिसमें आज जाने का टाइम नहीं है, विकसित देशों में महामंदी जैसी परिस्थितियां वापस लौट आई, महामंदी मतलब 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, और तब से वहां की मंदी गहराती चली जा रही है। अब इसके अखबारों में चर्चा नहीं होती, अखबारों में बहुत कुछ चर्चा नहीं होती, तो इसीलिए इसके बारे में भी हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में काफी कुछ झूठ आता है अखबारों में, जैसे कोई हाईलाइट नहीं करेगा कि अमेरिका में कुल मिलाकर 1970 से लेकर आज तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगातार कम होता चले जा रहा है एवरेज में, कोई बात नहीं करेगा। कोई यह बात नहीं करेगा कि वहां पर बेकारी रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंची हुई है पूरे यूरोप में और अमेरिका में, रिकॉर्ड लेवल्स पर, और अमीरी गरीबी की खाई रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंची हुई है, कोई बात नहीं करता, हेडलाइंस आएंगी नहीं, छोड़िए उसकी बात। तो बहुत कुछ नहीं आता, यह भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर 1980s में वहां की अर्थव्यवस्थाएं जो धीरे धीरे ठहरावग्रस्त हो गई हैं, जिसको इकोनॉमिक्स में स्टैग्नेशन बोला जाता है, तो ऐसे में यूरोप और अमेरिका में उन्होंने ये तय किया, वहां की सरकारों ने और वहां के पूंजीपतियों ने, वहां के अमीरों ने, कि कंपनियों का नफा बढ़ाए रखने के लिए वहां पे जो वेलफेयर स्टेट था, जो जनता को सुविधाएं दी जाती थी, उसमें कटौती की जाए और वो सेविंग्स अमीरों की तिजोरियों में ट्रांसफर की जाए। वो कैसे? अमीरों को दीजिए टैक्स कट्स, उनके टैक्सेस में कटौती कीजिए, और गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडीज में भी कटौती कीजिए, इसकी बचत जो होगी उसके चलते आप अमीरों को टैक्स कंसेशंस दे सकते हैं, बैलेंस हो जाएगा ना। लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसको उचित कैसे ठहराएंगे? तो इसको उचित ठहराने के लिए दो अलग अलग थ्योरीज दी गई। फिस्कल, ये गरीबों को दिए जाने वाले कंसेशंस, उस दिन आपने फिल्म देखी होगी, आप में से जो लोग आए थे, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाली, उसमें नहीं आता है ऑस्टेरिटी की बात होती है, सारे लोग हल्ला किस बात पे मचा रहे हैं कि सरकारें बोल रही हैं कि भाई पैसा नहीं है, हम बजट पे कटौती कर रहे हैं। ग्रीस का भी वही मुद्दा है ना,
ग्रीस में यही शर्त लगाई गई है कि अपना स्वास्थ्य बजट कम कीजिए, शिक्षा बजट कम कीजिए, बेकारी भत्ता कम कीजिए वगैरह वगैरह। पूरे यूरोप में यही नीतियां लागू है, अमेरिका में भी यही लागू है। तो सब जगहों पर जनता को दिए जाने वाली छूटों में कटौती हो रही है। वैसे ये स्पष्ट कर दें, वहां पर आज भी वो छूट यानी गरीबों पर जो खर्चे होते हैं वो भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है, कोई कंपेरिजन नहीं है। तो उनका उतना हाई लेवल से कटौती हो रही है, ये अक्रॉस डेवलप्ड कंट्रीज हो रहा है। तो उसके लिए फिर वापस फिस्कल डेफिसिट थ्योरी की वो बुरी होती है, उसको दोबारा जिंदा किया गया। कीन्स है, कीन्स की मूर्ति लगी हुई है, उस पर माला चढ़ाई जाती है और उसके बाद मिल्टन फ्रेडमैन और शिकागो स्कूल के इकोनॉमिस्ट की थ्योरी पढ़ाई जाती है। कीन्स को कोई पढ़ाता नहीं, मतलब इतना ही है कि पूजा होती है, धर्म ग्रंथ बन गया वो। और दूसरी तरफ अमीरों को सब्सिडी कैसे दी जाए, तो उसके लिए एक नई थ्योरी लाई गई, वो मजेदार है, उसका नाम है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। ये नई थ्योरी है, वो ये कहती है कि यदि अमीर पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे तो वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि उनको उचित प्रोत्साहन नहीं है, बेचारे प्रोत्साहन नहीं है ना, क्यों करें, तो सरकार को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और प्रोत्साहन देना चाहिए का मतलब है सरकार को उनको और टैक्स सब्सिडी देनी चाहिए ताकि उनके पैसे और बढ़ जाएं, तो वो जरूर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये थ्योरी है, ये लॉजिक दिया जाता है, इतना हास्यास्पद नहीं? जब पैसे इतने सारे हैं और आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो और पैसे आएंगे तो क्यों इन्वेस्ट करोगे, सिंपल लॉजिक ना। यदि किसी के पास 1,000 करोड़ रुपए है और वो निवेश नहीं कर रहा, उसे कारखाना नहीं लगा रहा, तो 1,000 का 1,100 कर दोगे तो क्यों लगाएगा? वो 1,000 करोड़ भी इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि माल नहीं बिक रहा, माल नहीं बिक रहा क्योंकि समाज में गरीबी है। तो समाज में गरीबी है और माल नहीं बिक रहा, तो इसका समस्या का समाधान यह हुआ ना कि गरीबी कम करो, यानी गरीबों को सब्सिडी ज्यादा दो, सिंपल लॉजिक। ये उल्टा कर रहे हैं, इनका कहना है कि भाई माल नहीं बिक रहा तो गरीबी की बात नहीं करते, गरीबी की बात करना नो नो नो, बुरी बात, बुरी बात, गंदे बच्चे वो बात करते, वो बात नहीं होती, तो गरीबी की बात नहीं होती, सिर्फ अमीरों की बात होती है। तो अमीरों के बारे में क्या बात होगी, बेचारे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो ऐसे में उनको और छूट दो, तो 1,000 करोड़ का 1,100 करोड़ कर दो। कुल मिलाकर यही है सप्लाई साइड इकोनॉमी। आपको मजेदार लगेगा, इकोनॉमिक्स की किताबों में ये सब उपलब्ध है, यहां पे से कुछ बैठे होंगे एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, आपको बता देंगे कि ऐसे ही कुछ है। अब उसको वो गोलमाल काफी जलेबी पार पार कर इतना समझा देते हैं कि आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि थ्योरी क्या है, रट्टा लगाकर एग्जाम पास कर देते। तो ये उनकी थ्योरी है, यानी अमीरों को टैक्स माफी, गरीबों को दिए जाने वाली छूट में कटौती, दोनों की अलग अलग थ्योरी। तो ये पश्चिमी देशों में शुरू हुआ और यही शर्तें उन्होंने भारत जैसे देशों पर लागू की। जब इन देशों ने, जब ये देश कर्जे में फंस गए, भारत जो 91 में फंसा था, तो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत पे शर्तें लगाई ग्लोबलाइजेशन की, जिसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, उस शर्त में ये शर्त थी कि फिस्कल डेफिसिट कम करोगे, तब से भारत फिस्कल डेफिसिट कम कर रहा। तो अब ये थ्योरी कैसे फ्रॉड है, इसको एक और तरीके से भी समझा जा सकता है, बहुत सिंपल है समझ। अब तो मैंने पहले तो आपको इकोनॉमिक लॉजिक दिया, लेकिन वो इकोनॉमिक लॉजिक फिलहाल छोड़ दीजिए, अब व्यवहार में चलिए कि वाकई क्या हो रहा है, उससे भी समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरी कैसे फ्रॉड है। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, सरकार के खर्चे माइनस सरकार की आमदनी। तो फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो दो तरीके हुए, सरकार अपने खर्चे कम करे या अपनी आमदनी बढ़ाए। तो सरकार अपनी आमदनी बढ़ाए, क्या वाकई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सो इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यूज, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कम करना है तो टैक्स की आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना, ठीक है, सिंपल लॉजिक। आगे बढ़ते, पिछले 9 सालों से, अब 10 साल हो गए, हर साल बजट डॉक्यूमेंट में एक स्पेशल कॉलम होता है कि हमने पिछले साल अमीरों को कितनी टैक्स माफी दी। तो 2015-16 के बजट में
जेटली बोलते हैं कि उन्होंने 14-15 में यानी पिछले साल अमीरों को इतनी टैक्स माफी दी। देखिए शून्य गिनते गिनते भूल जाएंगे, उसका सिंपल मामला है 5.5 लाख कोटी, इतनी टैक्स माफी अमीरों को, ये मध्यम वर्ग को नहीं, कंपनियों को और कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में छूट है। मैंने मध्यम वर्ग का आंकड़ा इसे हटा दिया है, तो ये अमीरों को टैक्स माफी है। इसके बारे में एक और आंकड़ा बता दें, इसमें से 75,000 करोड़ रुपए टैक्स माफी गहनों की खरीदारी पर है और डायमंड्स की खरीदारी पर है, 75,000 कोटी। ये टैक्स माफी भारत का एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट मिलाकर उससे ज्यादा है, इतनी टैक्स माफी है सिर्फ गहनों की खरीदारी पर, और कुल मिलाकर अमीरों को टैक्स माफी 5.49 लाख कोटी। अब ये आंकड़ा कितना है, बड़ा लगता है ना, बहुत समझ में नहीं आता कितना है, क्योंकि हम लोग तो 1 कोटी भी हमारे लिए बहुत बड़ा है, 5.49 लाख कोटी, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करें। तो ऊपर वाला कॉलम है टैक्स कंसेशंस अमीरों को, वो है 5.49 लाख कोटी, और 14-15 का सरकार का फिस्कल डेफिसिट है 5.13 लाख कोटी, यानी टैक्स माफी फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा है। मतलब क्या कि सरकार यदि अमीरों को टैक्स माफी कम कर देती तो फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता, सिंपल ना, सिंपल लॉजिक। तो भाई यदि फिस्कल डेफिसिट के बारे में उतना ही चिंतित हो तो अमीरों को टैक्स माफी कम कर दिए होते, कम से कम गहनों पर तो कम कर दिए होते, है ना। अब वो कितना है टैक्स माफी, हमारा बजट कुल मिलाकर 16 लाख कोटी का है, सिर्फ टोटल सरकार के खर्चे, तो अमीरों को टैक्स माफी बजट का 30% है, और सरकार की जो कुल टैक्स की आमदनी है उसका 44% है टैक्स माफी। इतना ज्यादा अमीरों को छूट दी हुई है, कल्पना कीजिए अमीरों को टैक्स माफी सिर्फ आधी कर दें तो क्या होगा, गजब हो जाएगा, सारे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, इतना अमाउंट है ये, और तब भी पैसे बच जाएंगे स्वास्थ्य को भी फ्री करने के लिए। आंकड़े आगे देखेंगे, अब याद रखिए अमीरों को टैक्स माफी है 5.5 लाख कोटी। तो अमीरों को इतनी ज्यादा टैक्स माफी दी तो फिर सरकार का फिस्कल डेफिसिट 4.1% कैसे आ गया, नहीं हमने बात की, चिदम्बरम ने घोषणा की है कि भाई पिछले साल हम सफल रहे, उसने कहा सफलता मिल गई, क्यों मिल गई, चिदम्बरम का टारगेट हमने अचीव कर दिया 4.1% फिस्कल डेफिसिट। मतलब एक चीज स्पष्ट कर दे, बजट में अगले साल का आंकड़ा प्रस्तुत होता है, ठीक है, तो खर्चे तो अब होंगे ना, तो सरकार चाहे तो खर्चे बढ़ा सकती है, सरकार चाहे तो खर्चे कम कर सकती है, सरकार चाहे तो टैक्सेस बढ़ा सकती है, टैक्सेस कम कर सकती है, तो साल के अंत में पिछले साल में वाकई क्या हुआ उसके आंकड़े मिलते हैं, बात समझ गए। तो 2015-16 का बजट है, मतलब प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, और 2015-16 के बजट में 2014-15 में क्या हुआ इसके भी आंकड़े मिलते हैं, इसलिए उसका आप देखिए पीछे आंकड़ा है आरई लिखा है ना सेकंड कॉलम में, फिस्कल डेफिसिट 2014-15 आरई, आरई मतलब रिवाइज एस्टिमेट, यानी वास्तविक, यानी 15-16 आकर हमने 14-15 में ये हमारा असली फिस्कल डेफिसिट था, बात समझ गए, इसलिए उसमें लिखा है आरई रिवाइज एस्टिमेट। ये ग्रॉस टैक्स रिवेन्यूज देखिए 1, 2, 3 फिफ्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, उसमें भी आरई लिखा है, आरई मतलब रिवाइज एस्टिमेट, मतलब ये वास्तविक है, इस साल हमने पिछले साल, इस साल जब हम हिसाब किताब करने बैठे साल के अंत में, तो ये पिछले साल
नहीं, जैसे हम बजटिंग करते हैं, आप किताब बेचते हो तो अंत में हिसाब करते हो ना, तो वो जो आपने अंत में हिसाब किया, आप जब किताबें लेके गए तो वो प्रपोज है कि इतनी किताबें बेचेंगे, जब किताब बेचकर आए तो फिर आपका वास्तविक आप हिसाब किताब लगाते हो, तो ये वास्तविक हिसाब किताब है, इसलिए उसके आगे लिखा है आरी। आखिरी में भी देखिए आरी, तो ये वास्तविक है। तो सरकार ने 15-16 यानी इस साल मार्च में, फरवरी 28 को घोषणा की कि भाई 14-15 में यानी पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट पूरा हो गया, 4.1% हमने टारगेट रखा था वो हम पूरा कर गए। ठीक है, पूरा तो कर गए, लेकिन भाई अमीरों को जब इतनी टैक्स माफी दी यानी आमदनी इतनी कम कर दी तो फिस्कल डेफिसिट पूरा कैसे हुआ, कैसे हुआ होगा? गरीबों को जो छूट दी जा रही है उसमें कटौती करके वही हुआ, ये है टेबल। दलितों पर जो खर्चे हैं उसमें कटौती हुई है 33%। आदिवासियों पर जो खर्चे हैं उसमें कटौती हुई है 37%। बच्चों पर जो खर्चे हैं उसमें कटौती हुई है 14%। महिलाओं पर जो खर्चे हैं उसमें कटौती हुई है 16%। जो गरीबों पर खर्च करने वाले थे, दलितों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर, उन सब में कटौती कर दी 20-40%, और इस तरह से फिस्कल डेफिसिट उन्होंने पूरा किया। ये हालत, ये पिछले साल की हालत, गए साल की। कुछ शब्द और समझा दें, आदिवासियों पर खर्चे का मतलब है सरकार ने पिछले कुछ 10-15 सालों से ये प्रथा शुरू की है कि अलग अलग मंत्रालयों के अलग अलग स्कीम होते हैं। तो जैसे शिक्षा मंत्रालय है, आदिवासियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, दलितों को स्कॉलरशिप देता है, स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पेशल योजना होगी दलितों के लिए। तो ये सारे जो दलितों के खर्चे हैं अलग अलग मंत्रालयों के, उसको सरकार इकट्ठा एक जगह करती है, उसको बोलती है शेड्यूल कास्ट सब प्लान, समझ गए? उसी तरह से हर मंत्रालय के बजट में, जैसे स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल योजना बनाई होगी, शिक्षा विभाग ने लड़कियों के लिए कोई स्पेशल योजना बनाई, तो वो सारा आएगा जेंडर बजट में, आखिरी कॉलम जो है। उसी तरह से बच्चों के लिए भी अलग अलग मंत्रालय अलग अलग प्रोविजन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोविजन है एजुकेशन का, शिक्षा का। तो ये है अलग अलग जो उनकी योजना है। तो मतलब आदिवासियों पर होने वाले खर्चे, दलितों पर होने वाले खर्चे, महिलाओं पर होने वाले खर्चे, बच्चों पर होने वाले खर्चों में इतनी जबरदस्त कटौती हुई है, ये तो पिछले साल का हाल है। अब इस साल क्या हुआ, यानी प्रस्तावित क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अब इस साल का बजट देखा जाए। इस साल बजट में जेटली ने घोषणा कर दी कि भाई फिस्कल डेफिसिट और कम लेकर आएंगे। पिछले साल कितना था, 4.1, इस साल कितना करेंगे, 3.9। ऊपर से जेटली ने बोला कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था में, ये बार बार बोल रहे हैं, कई भाषण है उनके, नेट पे आप जाकर देख सकते हैं, कि हमारे बहुत फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी पैसों की बहुत तंगी है, तो हम बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, बार बार बोल रहा है जेटली। क्या वाकई तंगी है पैसों की? क्यों क्यों अभी तो बात की, अरे अमीरों को टैक्स छूट दोगे तो पैसे कहां से आएंगे, वसूलना चाहिए ना। तो देखिए आंकड़े, सरकार जो कुल टैक्स इकट्ठा करती है, अब बड़ा देश होगा यानी बड़ी इकोनॉमी होगी तो ज्यादा टैक्स होंगे ना, कम, छोटे देश होगा तो कम। जैसे बांग्लादेश और भारत की तुलना की जाए तो एब्सोल्यूट फिगर्स की तुलना, एब्सोल्यूट फिगर्स मतलब बांग्लादेश कितना टैक्स इकट्ठा करता है, भारत कितना इकट्ठा है, भारत इतना बड़ा है, बांग्लादेश महाराष्ट्र से भी छोटा है, तो बांग्लादेश की तुलना भारत से कैसे करोगे ना। तो तुलना करनी होगी तो तुलना कैसे करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी मतलब देश में कितना उत्पादन हो रहा है। तो बांग्लादेश का टैक्स एज कंपेयर टू जीडीपी
और भारत का टैक्स एज कंपेयर टू जीडीपी इसकी तुलना हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बड़ा देश होगा तो ज्यादा जीडीपी होगा। जीडीपी समझते हैं, मतलब देश में कुल उत्पादन कितना हो रहा है, तो जितना उत्पादन होगा उतना ही टैक्स की आमदनी होगी ना। तो इसलिए कंपैरिजन किस चीज का होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशो। अलग अलग देशों की टैक्स टू जीडीपी रेशो की तुलना की गई है। भारत देखिए किधर है, 18%। अफ्रीकी देश, और वो भी सब पूरा अफ्रीका नहीं, सब सहारन अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका मतलब सहारा डेजर्ट के आसपास के देश जो दुनिया के सबसे गरीब देश माने जाते हैं, वो भी 27% टैक्स इकट्ठा करते हैं, और अमीर देश इकट्ठा करते हैं 37%, और उनका जीडीपी भारत से बहुत ज्यादा है और आबादी भारत से बहुत कम है। तो अमीर देश यदि भारत की तुलना में 37% यानी दुप्पट टैक्स टू जीडीपी इकट्ठा करते हैं, यही कारण है कि वहां पर आज भी कटौती के बाद यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा फ्री है, ज्यादातर देशों में सारे अस्पताल फ्री हैं, पीने का पानी हर नलके में फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। वो स्टोरी ऑफ बॉटल वाटर ही बताती है ना कि वो फर्जी बॉटल पानी पीते हैं, वैसे सारा पानी अच्छा है नलके वाला। बेकारी भत्ता मिलता है, इतना बेकारी भत्ता मिलता है कि भारत घूमने आ सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। बच्चे हो तो आपको अलग से कंसेशन मिलता है ताकि बच्चों को ढंग से बड़ा कर सके। उतना टैक्स इकट्ठा करते हैं, यहां पर 5.5 लाख करोड़ अमीरों को टैक्स माफी दी गई है पिछले साल, और ये हर साल का आंकड़ा है, मैंने पिछले साल के आंकड़े नहीं दिखाए, वो हमारी पुस्तिका है इज द गवर्नमेंट रियली पुअर, उसने पिछले 9 साल के आंकड़े दिए हुए हैं। इस साल का आंकड़ा मिलाकर 41 लाख करोड़ की टैक्स माफी है, भारतीय बजट का दुप्पट से ज्यादा, 9 सालों में इतनी टैक्स माफी कर दी है। इनको पूरा एजुकेशन 8वीं तक सारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय लेवल का एजुकेशन करने के लिए 10 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ चाहिए, 10 साल में। यह उतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है शिक्षा के ऊपर, लेकिन अमीरों को 5 लाख करोड़ हर साल देते हैं, और वो आंकड़ा है 1.5 लाख करोड़ 5 साल में। इतना कम पैसा चाहिए, उतना भी देने को तैयार नहीं है। बोलते हैं पैसे नहीं है, अरे पैसे कहां से आएंगे, टैक्स इकट्ठा ही नहीं करते। ये आंकड़ा था, वो पता नहीं कैसे रह गया, ये आंकड़ा है 2011 का। अब पिछले 3 सालों की टैक्स माफी के चलते वो हमारा 18.5% कम होकर करीब 15 या 16% आ गया है। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी सरकार ने दिया नहीं है, अंदाज है 15-16% हो गया है और कम हो गया। तो क्या सरकार सही बोलती है कि पैसे नहीं है? एक मामले में सही बोलती है, क्योंकि इकट्ठा ही नहीं करते, राइट? आगे बढ़े, इस साल के बजट में और क्या किया, कॉरपोरेट टैक्सेस और कम कर दिए, 30% का 25% कर दिया। इसका मतलब अब ये हमारे पिछले वाले चिदंबरम हल्ला मचा रहे हैं, अरे तुमने इतना टैक्स माफी दे दिया, और उन्होंने आंकड़ा क्या दिया कि इसका मतलब है 2 लाख करोड़ का और टैक्स माफी, चिदंबरम का आंकड़ा है। पिछले साल जब टैक्स माफी हुई थी तो जेटली हल्ला मचा रहे थे, ऐसा ही होता है जब सत्ता में आते हैं, खुद टैक्स माफी करते हैं, विपक्षी हल्ला मचाते हैं, वो सत्ता में आएंगे वो भी वही करेंगे। और देखिए, एक इनको एक कानून लागू करना है, उसको बोलते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स,
यानी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, मॉरिशस में, केमैन आइलैंड में जाकर अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर खोल देंगे जहां पर टैक्स जीरो है, और फिर वहां से भारत में पैसे लगाएंगे। और भारत ने उनसे करार किया हुआ है कि तुम्हारा, तुम्हारे देश में जो टैक्स होगा तुम वसूलो, हम नहीं वसूलेंगे। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि कंपनी अपना हेड ऑफिस केमैन आइलैंड्स में, फिजी में, मॉरिशस में खोल देती है और उसको फिर टैक्स नहीं भरना पड़ता। ये गोलमाल है टैक्स का। तो उस गोलमाल से बचने के लिए सरकार ने कानून बनाया है, GAAR, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जो दुनिया के बहुत सारे देशों में लागू है, अमीर देशों में भी लागू है। वो सब टैक्स चोरी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत उस कानून को लागू करने को तैयार नहीं है। तो हर साल वो पोस्टपोन करते जाते हैं। तो जेटली ने इस बार कहा कि एक साल नहीं, दो साल पोस्टपोन करते हैं। तो यानी और दो साल पोस्टपोन हो गया, दो साल के बाद और कर देंगे, लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब है इससे भी टैक्स आमदनी कम होगी जो इस कानून से हो सकती थी। ऊपर से जेटली ने घोषणा की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे। आपको मालूम है अब सरकार निवेश खुद नहीं करती, पीपीपी के नाम पे करती है ना, तो इसमें से काफी पैसा हाईवेज के लिए है। हाईवे सरकार खुद नहीं बनाती, सरकार क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को ठेका देती है और उसमें सरकार पैसे डालती है ग्रांट के रूप में। यानी आपने यदि 100 रुपए खर्च किया हाईवे बनाने का, तो 100 में से 40 सरकार आपको अनुदान देती है, दान देती है, उसको बोलते हैं पीपीपी। उसको असल में बोलना चाहिए दान, लेकिन अब दान शब्द तो मंदिरों में दिया जाता है ना, तो इसलिए ये प्राइवेट कंपनियों को दान है, उसको बोलते हैं पीपीपी। तो सरकार ने इस साल घोषणा की है कि हम 70,000 करोड़ और अनुदान करेंगे। और ऊपर से जेटली बजट में बेशर्मी से बोलता है कि भैया जो हम 40% दे रहे हैं ये काफी नहीं है, सरकार को और ज्यादा रिस्क बेयर करना चाहिए। मतलब 40% का और आगे 50, 60, 70 कर देना चाहिए। यानी हाईवे तुम बनाओ, पैसे हम देंगे, टोल की आमदनी तुम्हारी। बढ़िया ना, गुड प्लान। तो ये है इस साल के अमीरों को दिए जाने वाले टैक्स माफी। उसके अलावा और जो माफी करेंगे, इनकम टैक्स में जो छूट देंगे, कस्टम ड्यूटीज में छूट देंगे, वो सब उसके आंकड़े हमको मिलेंगे 2000 अगले साल फरवरी के बजट में। ठीक है, तो यानी इस साल भी ठीक ठाक संख्या में अमीरों को टैक्स माफी मिलने वाली। आगे बढ़, ऊपर से जो थोड़ी बहुत टैक्स सरकार इकट्ठा करती है वो भी अमीरों से इकट्ठा नहीं करना चाहती, गरीबों से इकट्ठा करना चाहती। इस देश में पहले ही जो टैक्स रेशियो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, डायरेक्ट है 30%, इनडायरेक्ट है 70%। नीचे देखिए लाल में, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है आपकी इनकम पर टैक्स, यानी अमीर देते हैं क्योंकि अमीरों की आमदनी होती है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आप जो भी सामान खरीदते हो, माचिस का डिब्बा भी खरीदते हो तो उस पर टैक्स लगता है, उस पर 4 आने का टैक्स है या 8 आने का हो गया शायद, तो यानी वो भिखारी से भी पैसा वसूल लेते। तो कोई भी सरकार, दुनिया भर में ये नियम है कि भाई गरीबों पर उतना बोझा मत डालो, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा रखो। तो दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेस का रेशियो है 55-65%, भारत में सिर्फ 30% है। और इस साल जेटली ने फिर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाकर 12.5% से 14% कर दिया। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यानी सरकार की आमदनी कम है, हमने देखा अमीरों को बहुत छूट दे रही है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है और ऊपर से अमीरों को और टैक्स माफी देनी है। तो ऐसे में सरकार का कुल मिलाकर बजट का जो खर्चा है, सरकार ने वो इस साल पहली बार बहुत सारे सालों में, न जाने कितने सालों बाद, सरकार ने अपना कुल खर्चा ही कम कर दिया। हाँ, सरकार का जो खर्चा है देखिए, 179 था, 1.79, 17.9 वो हो गया है
17.7 लाख कोटी खर्चा कम हो गया, कुल सरकार का खर्चा कम हो गया। खर्चा कम क्यों हुआ समझे, क्योंकि सरकार कुल आमदनी ही कम कर रही है। ये पहली बार ही हुआ है इतने सालों में, अमीरों की टैक्स माफी के बावजूद सरकार अपनी बोरोइंग बढ़ाकर बजट का अमाउंट बढ़ाती चली जाती थी, इस बार उन्होंने बजट का आउटले ही कम कर दिया, यानी कुल खर्चे ही कम कर दिए। बात समझ गए? और जब बजट कम कर देंगे यानी कुल खर्चे कम कर देंगे, और कुल खर्चों में से ज्यादा खर्चे अमीरों पर करेंगे पीपीपी वगैरह के नाम पर, तो गरीबों पर खर्चा कहां से करोगे? तो गरीबों के खर्चों में सरकार ने कटौती की है। देखिए कितना कटौती किया है, फूड सब्सिडी जोड़कर 8.5% और बिना फूड सब्सिडी के 15%। ये गरीबों पर होने वाले खर्चों में इस साल उन्होंने कटौती की है घोषित, अंत में और हो जाएगा साल के अंत। ये एक ऐसे देश में है जिसमें सरकार के गरीबों पर होने वाले खर्चे वैसे ही दुनिया में सबसे कम है। हम अपने जीडीपी का सिर्फ 7% गरीबों पर खर्चा करते हैं। गरीबों पर खर्चा मतलब शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेकारी भत्ते पर, न्यूट्रिशन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, कुल सरकार का खर्चा 7% है। विकसित देशों में 30% है। दक्षिण अमरीकी देशों में 18% है, भारत में 7%। और ये आंकड़ा है 2010 का। तो जिस देश में वैसे ही सामाजिक खर्चे यानी जनता पर होने वाले खर्चे दुनिया में सबसे कम है, ये जब बोलते हैं कि हमारा सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, हम शिक्षा स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, ये कुछ खर्चा नहीं करते, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। इनके आंकड़े बताते हैं दुनिया भर के कि ये गरीबों पर खर्चा करते ही नहीं। और जिस देश में, ये 3-4 साल पहले का आंकड़ा है, जिस देश में दुनिया के सबसे कम सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर्स हैं, उस देश में सरकार ने इस साल और 15% की कटौती कर दी। जीडीपी का भी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखिए कितना कम हो गया है। तो अब हमारा वो 7% जो था वो 6% पे आ जाएगा। 7% इसलिए है, वो 7% और ये है 1.69, वो 7 इसलिए है क्योंकि उसमें सेंटर और स्टेट्स का कंबाइंड है। राज्य सरकारें भी सोशल सेक्टर पे खर्चा करती है ना, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह के ऊपर, तो सेंटर और स्टेट मिलाकर है 7%। अब सेंटर का हो गया 2.58%, नीचे वाला आंकड़ा लीजिए जो पहले 3.14 था, तो हमारा वो 7 आ जाएगा 6 पर। बात समझ गए? ये 7 जो है ये सेंटर और स्टेट्स का मिला हुआ आंकड़ा है। सेंटर ने अपना कम कर दिया तो स्टेट्स का जैसा होगा होगा कुल मिलाकर वो आंकड़ा। तो हम जो दुनिया में वैसे ही इतना कम खर्चा करते हैं, इस साल हमारा खर्चा और कम होने वाला है गरीबों पर। अब एक और बात, लेकिन सरकार एक ढिंढोरा पीट रही है, आपने शायद नहीं सुना होगा। सरकार बोल रही है कि भाई हमने गरीबों पर खर्चा कम किया क्योंकि हमने राज्य सरकारों को जो हम पैसे देते हैं वो पैसे हमने बढ़ा दिए और राज्य सरकारें सोशल सेक्टर पे वो खर्चा करेंगी। बात समझ गए? यानी केंद्र सरकार की जो कुल टैक्स आमदनी होती है वो टैक्स आमदनी में से कुछ हिस्सा सरकार अपने पास रखती है जो बजट पे खर्चा करती है और कुछ हिस्सा वो राज्यों को ट्रांसफर करती है। समझ गए? तो सरकार ने अभी सब कॉम्प्लिकेशंस है, पहली बार में आप याद नहीं रख पाएंगे लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, पुस्तिका जब छप जाएगी तो खरीद लीजिएगा। तो सरकार जो कुल मिलाकर आमदनी इकट्ठा करती है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखती है, कुछ राज्यों को ट्रांसफर करती है।
तो सरकार ने राज्यों को दिया जाने वाला जो हिस्सा है वो 10% से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो सरकार का कहना है कि क्योंकि हमने राज्यों को दिए जाने वाला पैसा बढ़ा दिया, इसीलिए हमने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में कम कर दिया। वो ये नहीं बोले कि इसके चलते हमने अमीरों को खर्चे में कम कर दिया, वो क्या बोले, हमने गरीबों को दिए जाने वाले खर्चों में कटौती कर दी क्योंकि राज्य सरकारें उसकी भरपाई कर देंगी। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ? समझ। अब ये देखिए कैसे झूठ बोल रहे हैं हर मुद्दे पर, मतलब एकदम। वो कल अभिजीत वैद्य ने भाषण में बोला ना, खोटलडे हैं सबके सब, खुलेआम खोटलडे। अब जब पता, मैं मराठी में वो ठीक से नहीं बोल पाता, ऐसे ही कुछ शब्द है ना, खोटलडे, बढ़िया शब्द। तो मतलब इसमें भी झूठ बोलते करते किए क्या, टैक्स का ट्रांसफर बढ़ा है लेकिन केंद्र सरकार उसके अलावा राज्यों को जो मदद करती है और मदों पर उसमें कटौती करती। तो सेंटर का जो स्टेट्स को, राज्यों सरकारों को जो टैक्स का ट्रांसफर था वो 10% बढ़ा दिया, लेकिन सरकार जो योजनाओं पे ट्रांसफर करती है पैसे, अब मैं सरल करके, उसने उतनी डिटेल में नहीं जा रहा लेकिन क्योंकि आप और कंफ्यूज कर जाएंगे, उसमें सरकार ने 40% की कटौती कर दी है, 40%। तो कुल मिलाकर राज्यों को जो आमदनी में बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ 6% हुई है। कितनी हुई? 6%। और सरकार ने कटौती कितनी की है गरीबों के खर्चों में? 20-40%। और कुछ क्षेत्रों में 70%, कुछ क्षेत्रों में 90%। पंचायती राज मंत्रालय का उन्होंने 98% कटौती कर दिया, यानी वो मंत्री विदाउट बिजनेस हो गया है। और स्टेट्स को पैसा सिर्फ बढ़ाया 6%। देखिए आंकड़े हैं, ये ब्लू वाला आंकड़ा देखिए, पहले देखिए स्टेट्स को बढ़ाया, टैक्सेस में बढ़ाया 37%, और जो योजनाओं पे सरकार मदद करती है उसमें कटौती कर दी 40%। उसके चलते कुल मिलाकर राज्यों को जो पैसों में बढ़ोतरी हुई वो है 6%। तो जोड़ है ना सारा का सारा, ये तीनों जोड़कर ये आंकड़ा आया, ये तीनों जोड़कर ये आंकड़ा आया, इन दोनों का प्रपोर्शन। तो स्टेट्स को पैसा बढ़ा है लेकिन सरकार जो बोल रही है कि हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, कितना बढ़ाया है? 6%। नहीं समझे? अरे टैक्सेस में बढ़ोतरी की लेकिन जो उसके अलावा जो मदद करती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान या मिड डे मील जो स्कूल्स में आता है ना, उससे वो पूरी तरह से केंद्र सरकार फंडेड है, तो सरकार ने उसमें कटौती कर दी। तो आपने इधर से पैसे बढ़ाए, इधर से वापस ले लिए। नहीं समझे? तो कुल मिलाकर आमदनी बढ़ी है 6% राज्यों की, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तो ये भी नहीं बढ़ी, महाराष्ट्र का घट गया है, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा है, -2.6%। तो ये जो बोलते हैं कि हमने राज्यों को पैसे बढ़ाए, बढ़ाए बढ़ाए कुछ नहीं, तो वाकई क्या हुआ है कि सरकार ने अमीरों को टैक्स माफी दी और उसके चलते गरीबों को दिए जाने वाले अनुदानों में कटौती कर दी। तो देखिए कटौती कहां कहां हुई है और कितनी कटौती हुई है, जबरदस्त कटौती हुई है। पहले तो मैंने इतना ही साबित किया कि ये जो बोल रहे हैं कि इन्होंने राज्यों को पैसे बढ़ा दिए इसलिए कटौती की है, वो झूठ बोल रहे हैं, राइट? राज्यों को पैसे वैसे नहीं बढ़ाए, यानी कुल मिलाकर मामला क्या है, अमीरों को टैक्स माफी बढ़ाई है और इसलिए गरीबों को अनुदान में कटौती की है। अब आंकड़े देखिए, भारत के बारे में दुनिया की नामी गिरामी पत्रिका है वो बोलती है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू बी अ वुमन, यानी
महिला के रूप में पैदा होना हो तो भारत दुनिया की सबसे बेकार जगहों में से, सबसे बुरी जगहों में से। कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, ये आंकड़े दिए हुए हैं। हर 15 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट पे छेड़खानी होती है, सास ससुर और रिश्तेदारों से क्रुएल्टी हर 5 मिनट पे होती है, डाउरी डेथ हर 65 मिनट पे होती है। ये 2013 के आंकड़े, यानी हर 1.5 मिनट में किसी ना किसी महिला के साथ कोई ना कोई शोषण होता है। ऐसे देश में महिलाओं पर जो बजट है वो सरकार ने जेंडर बजट 19% कम किया है, और महिलाओं का जो मंत्रालय है उसका बजट आधा कर दिया है। ये कटौती की। बजट में बड़ा लंबा भाषण है महिलाओं के ऊपर, उसमें 59 स्कीम्स की घोषणा की हुई है, 60 स्कीम्स की घोषणा की है, ये योजना ये योजना ये योजना। उनमें से 59 में से 54 स्कीम्स को पैसा ही नहीं है। 100 करोड़ से कम। देखिए, सरकार ने घोषणा की सत्ता में आने के साथ ही कि हम वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलेंगे हर जिले में एक। कोई भी महिला जिसके साथ कोई लैंगिक अत्याचार होगा वो उस पर फोन कर सकती है, तुरंत मदद मिलेगी। 600 खोलने वाले थे, इस साल के बजट में अलोकेशन किया है 2 करोड़। एक महिलाओं का हेल्पलाइन बनाने वाले थे कि आप फोन कर सकते हो 24 घंटे, तुरंत मदद पहुंच जाएगी, उसका बजट दिया है 1 करोड़। महिलाओं के लिए जो डिस्टिट्यूट वीमेन है, सिंगल वुमेन है, उनके लिए शेल्टर होम्स बनाने वाले थे, उसका बजट 0 कर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लागू करने के लिए बजट देना था, वो भी 0 कर दिया। महिलाओं के लिए हॉस्टल बनने वाले थे, एक ही बनेगा, 30 करोड़ में पता नहीं एक भी बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस साल जनवरी में मोदी ने खुद देशव्यापी अभियान की शुरुआत की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और अखबार में आया कि उसने हरियाणा में जो सभा हुई लोगों से हाथ जोड़कर बोला कि महिलाओं को पढ़ाओ, बच्चों को जिंदा रखो, महिलाओं बच्चों की हत्याएं मत करो, वगैरह वगैरह। बड़ा मशहूर स्कीम था, मतलब खूब अखबारों में उछला, उसका बजट है 100 करोड़। ये तो सरकार, यानी योजनाएं बहुत है, पैसा इल्ले। चलिए आगे बढ़ते, बच्चों की बात कर। बच्चों के बारे में भी वही कहा जाता है कि सबसे खतरनाक जगहों में से है बच्चा होना, न पढ़ाई होगी न सुरक्षा होगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, हो सकता है मर जाओ बीमारी के चलते, क्योंकि सुविधाएं नहीं है। आंकड़े दिए, 5 साल से कम बच्चे दुनिया में, सबसे ज्यादा बच्चे भारत में मरते हैं। 48% बच्चे स्टंटेड हैं 5 साल से नीचे के, 43% अंडरवेट हैं। ये सब माल न्यूट्रिशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, वेस्टेज, अंडरवेट, स्टंटेड, ऊंचाई से कम, ड्वार्फ, और तो और सब सरकारें एक दूसरे से स्पर्धा करती हैं। ये आंकड़े इतने बुरे थे, उसके बाद 2012 में अगला सर्वे होने वाला था, कुछ एनजीओ ने सर्वे किया तो पता चला कि ये आंकड़े बढ़ गए हैं, तो सरकार ने अगला सर्वे स्क्रैप कर दिया। ये आंकड़ा 10 साल पुराना है, उसके बाद सर्वे ही नहीं हुआ है। क्योंकि आंकड़े और बुरे हो गए, तो बढ़िया है ना, सर्वे ही मत कर, परफेक्ट। चाइल्ड लेबरर्स 2.5 करोड़, 8 करोड़ बच्चे स्कूल
आठवीं के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। स्त्री पुरुष बच्चों के मामले में पिछले 20 सालों में सत्तर लाख बच्चियों की हत्याएं हुई। इस साल 2011 का सेंसस बताता है कि शून्य से छह उम्र के बच्चों में 70 लाख लड़कियां कम हैं लड़कों की तुलना में। मिसिंग हो गई ना, मतलब इतनी हत्याएं हो रही। तो भाषण बड़े बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को पैसे ही नहीं दे रहे। बच्चों के मामले में जो बजट है उसमें 29% की कटौती हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना बच्चों के लिए है ICDS, जो एनजीओ में नौकरी करते होंगे वो जानते होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें आंगनवाड़ियां और बच्चों को न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना, वो सब योजनाएं आती हैं। उसका बजट सरकार ने आधा कर दिया है। ये हालत। दलितों आदिवासियों के बारे में बड़े भाषण चलते हैं, बराबरी, लेकिन एकदम सही बात है, ये मनुवादियों के बाप और उसको और तेजी से स्थापित करना चाहते हैं। इतने अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं, उनके लिए सब जानते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि पैसे नहीं आ रहे स्कॉलरशिप्स के लिए, बच्चों से कहा जा रहा है कि फीस भरो। वो सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार अनुदान लगभग बंद कर दे चुकी है। उसके आंकड़े देखिए, शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल प्लान्स में, ये इस साल का आंकड़ा है, पिछले साल जो कटौती हुई हुई, इस साल भी सरकार ने 40% कटौती की है, दोनों दलितों के ऊपर आदिवासी। ये इस साल का आंकड़ा है, पिछले साल का नहीं, कंफ्यूज मत कीजिए। पिछले साल भी कटौती की और इस साल और कटौती कर दी। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, कितने बज रहे हैं? घड़ी नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में दुनिया भर में WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका कहना है कि सरकारों को कम से कम, क्योंकि इलाज से नफा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि नफा कमाने का धंधा करोगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। सिंपल लॉजिक है ना, डॉक्टर आपसे पैसे कमाने जाएगा कि आपका इलाज करेगा। तो दुनिया भर में ये स्थापित बात है कि हेल्थ सिस्टम मूलतः सरकारी फंडेड होना चाहिए, और दुनिया भर में WHO की सिफारिश है कि सरकारों को अपने कुल GDP का 5% स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए। विकसित देश उससे ज्यादा करते हैं, 7% तक खर्चा करते हैं। ज्यादातर देश, गरीब देश, भारत के जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, वो 3-5% खर्चा करते हैं, और भारत 1% खर्चा करते हैं। 175 देशों में भारत का नंबर 171 है। ये हालत जो आप देखते नहीं है, वो डेंगू का कहर फैल रहा है और आतंक फैला हुआ है, कभी डेंगू कभी कुछ कभी कुछ, वो सब इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं। लोग प्राइवेट में जाने से घबराते हैं, सरकारी को अनुदान नहीं है तो सब कोलैप्स कर रहा है। इतनी बुरी हालत स्वास्थ्य की दुनिया में कहीं नहीं है। ज्यादातर देशों में, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में, सारे अस्पताल गरीबों अमीरों के लिए एक जैसे हैं, समान स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, फ्री।
आपकी कल्पना के बाहर है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम पैदा होने के साथ ही इसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां पर एक तरफ मंगेशकर हॉस्पिटल है और एक तरफ वो नायडू और ससून हॉस्पिटल, बचपन से वही हम देखते आए हैं। तो हमको दूसरा सिस्टम कोई हो सकता है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। दुनिया भर में हम अपवाद हैं क्योंकि हम खर्चा ही नहीं करते, और यही कारण है कि स्वास्थ्य के मामले में, हर मामले में ये देश नंबर एक है। यहां हम सुपर पावर है। मलेरिया जिसे कोई मरना नहीं चाहिए, 2 लाख मौतें हर साल। टीबी नहीं मरना चाहिए, 3 लाख मौतें हर साल। डायरिया से दुनिया भर में जो मौतें होती है 25% भारत में होती है। बच्चों को जो बीमारियां हैं जिसे बच्चे मरते हैं, 1/4 डेथ्स, 20 लाख बच्चे हर साल इस देश में बीमारियों से मरते हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चों की मौतें बचाई जा सकती हैं क्योंकि वो डायरिया से होती है, न्यूमोनिया से होती है। तो जिस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना बेड़ा गर्क हो, उस देश में सरकार ने स्वास्थ्य बजट फिर 15% कम कर दिया। आयुष मतलब आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह का, तो हेल्थ बजट मिलाकर का मतलब होता है ये येलो वाला कॉलम और सबसे आखिरी वाला कॉलम, मतलब ये दो कॉलम मिलाकर हेल्थ बजट होता है, जिसमें ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने जोड़ा नहीं, आप जोड़ सकते हैं बाद में। तो जो हेल्थ बजट है उसमें 15% की कटौती की गई, जिस देश में उतनी बुरी स्वास्थ्य सुविधा है। शिक्षा के मामले में राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया, सब जानते हैं कि वो कागज पर है, तीन साल का टारगेट था कि सारे बच्चों को स्कूल में पहुंचा देंगे, कहां से पहुंचाएंगे, स्कूल ही नहीं, सरकारी स्कूल में उतनी भर्ती कोई जाता ही नहीं, प्राइवेट स्कूल में, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब की गई है, हमारी शिक्षा पे एक पुस्तिका है और एक और आने वाली है, 2-3 महीने में आ जाएगी, कि इन्होंने जानबूझ के स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को पिछले 20 सालों में खराब किया है, यही फिस्कल डेफिसिट कम करने के नाम पर। तो हालत देखिए, 50% प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक या दो शिक्षक हैं, यानी पांचवीं तक पढ़ाने के लिए एक या दो शिक्षक, यानी एक टीचर सारी क्लासों को पढ़ा रहा है। 70% स्कूलों में 3 टीचर से कम है। 1 लाख प्राइमरी स्कूल खुले में चलते हैं या फिर एक ही क्लासरूम है, और 2/3 प्राइमरी स्कूलों में 3 क्लासेस या उससे कम है, यानी अधिकांश स्कूलों में एक टीचर 3 क्लासेस को एक साथ पढ़ाता है, जो हम नाटक में दिखाई रहे थे पिछले साल भारूड में, वो नाटक नहीं था, वास्तविकता है। इस देश के 60% प्राइमरी स्कूल्स की ये हालत, ये सरकारी आंकड़ा है, डाइस का सर्वे है सरकार का, मेरा आंकड़ा नहीं। और ऊपर से 20% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 40% स्कूलों में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, 60% स्कूल्स बिना बिजली के चलते हैं, और 50% स्कूल्स में पुस्तकालय नहीं है। ये 8वीं तक के स्कूल्स का आंकड़ा है। जो जिस देश में शिक्षा का ये हाल है, उस देश में सरकार ने शिक्षा का बजट 16% कम कर दिया, उसमें भी ज्यादा कटौती स्कूल में हुई है, हायर एजुकेशन में सिर्फ 3% की कटौती हुई है, यानी IIT और खुलेंगे और IIM और खुलेंगे, उसकी घोषणा हो गई है कि 8 IIT और खोल रहे हैं। तो IITs IIMs खुलेंगे, कॉलेजों को अनुदान बंद हो जाएगा, तो शिक्षा का, उच्च शिक्षा का बजट बढ़ा, घटा 3%, और स्कूली शिक्षा का बजट घटा है
ये वाला कॉलम 23%, और उसमें से सर्व शिक्षा अभियान जिसका काम है ऑफिशियली राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू करना, जो फुली सेंट्रल फंडेड है, उसमें सरकारें राज्य सरकारें पैसा नहीं डालती, उसका बजट 22% कम कर दिया। और ये देश इतना बेहया और बेशर्म हो चुका है कि बच्चों को जो स्कूल में मुफ्त खाना मिलता है दोपहर में, उसका बजट 30% कम कर दिया। ये हालत, ये भी फुली सेंट्रल फंडेड है, राज्य सरकारें पैसा नहीं डालती। महंगाई जोड़ लो, ये सारे एब्सोल्यूट फिगर्स हैं। हर आंकड़ा 5-7-10% बढ़ जाता है महंगाई जोड़ दोगे तो। ये हालत, यानी ये बच्चों को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे कसाई हो गए। मोदी का प्रिय है कौन सा, स्वच्छ भारत अभियान, सुना है ना सबने, उसके भी बजट में कटौती कर दी है 15%। यानी वो भी सिर्फ भाषण के लिए है। वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में, उसके बजट में 60% की कटौती की है, उसमें से पीने के पानी के बजट में 75% कटौती की गई है। बताइए, गांव में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी ये पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। ग्रामीण विकास 12% की कटौती है, खूब दिंदोरा पीटा जा रहा है कि कम से कम नरेगा में कटौती नहीं हुई है, बल्कि एकमात्र आंकड़ा यहां मिलता है जिसमें बढ़ोतरी हुई है, दो ही आंकड़ों में बढ़ोतरी है, एक ये है, दूसरा भी आएगा, इसमें 2% की बढ़ोतरी है। इसकी असलियत क्या है, नरेगा, नरेगा मतलब जानते हैं ना, सरकार ने एक कानून पास किया है नरेगा एक्ट, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में जिसको भी रोजगार चाहिए उसको हम साल में 100 दिन का रोजगार देंगे, ये गारंटीड है, ठीक है। उसकी असलियत क्या है, उसके आंकड़े देखिए, असलियत में इन्होंने उस कानून के तहत पिछले साल सिर्फ 46, हर व्यक्ति को सिर्फ 46 दिन का रोजगार मिला है, 100 दिन का रोजगार नहीं दिया, क्योंकि कुल पैसा अलॉटमेंट ही कम है, यानी 14-15 का अलॉटमेंट जो था, बात समझ गए, 14-15 का अलॉटमेंट था, 34,000 कोटी नीचे आया ना आंकड़ा, तो 34,000 कोटी में सिर्फ ये 46 दिन का रोजगार हर आदमी को दे सके जिनको रोजगार मिला, और 20% लोगों को जिनको रोजगार चाहिए था उनको मिला ही नहीं क्योंकि पैसे ही नहीं थे, तो 20% लोगों को रोजगार नहीं मिला, 20% मतलब जिनको चाहिए था, ग्रामीण इलाकों में 20% लोगों को रोजगार चाहिए था उनको नहीं मिला, और जिनको मिला उनको सिर्फ 46 डेज का काम मिला, तो नरेगा का कुल अलॉटमेंट ही कम है, ये उसको बढ़ाना ही नहीं चाहते, उतना ही रखा है ना, आया ना आंकड़ा 2% बढ़ाया है, एक्चुअली घटा है, क्यों, क्योंकि पिछले साल वो 46 दिन रोजगार देने के लिए राज्य सरकारों ने जितना पेमेंट किया और सरकार से जितना पैसा आया उसमें 6000 कोटी कम पड़ गया, तो राज्य सरकारों ने अपने पैसों से 6000 कोटी डाला है, तो इस साल का जो आंकड़ा है 34,699, उसमें से 6000 कोटी राज्य सरकारें रख लेंगी कि हमने पिछले साल खर्चा किया है, बात समझ गए, तो इस साल असल में शॉर्टफॉल वो 6000 कोटी और 6000 कोटी और चाहिए होगा ना, उतना ही खर्चा करना है, तो
तो इस साल का शॉर्टफॉल असल में है 12,000 कोटी, यानी 32% की कटौती हुई है नरेगा में। ये कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहे हैं कि नरेगा कम से कम बच गया। कहां बचा? एक तो सिर्फ 46 दिन का रोजगार मिला, 20% लोगों को रोजगार मिला ही नहीं जिनको चाहिए था, इस साल उससे भी कम करोगे। आगे बढ़, फूड बजट, इस पर भी हल्ला मच रहा है ना। उन्होंने एक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया है, मालूम होगा, खूब दिंदोरा पीटा है। उसका बजट बढ़ा है 8%, एक और बजट बढ़ गया। यह सरकार की सबसे बड़ी सब्सिडी है, 1,24,000 कोटी। इस पे खूब हल्ला मच रहा है कि ये बहुत ज्यादा है, कम करो वगैरह वगैरह। वाकई ज्यादा है क्या? देखिए आंकड़ा देखिए, सिर्फ 1.24 लाख करोड़ है अमीरों को दिए जाने वाली छूट का तिप्पट से ज्यादा। हाँ, मतलब अमीरों को इससे तिप्पट मिलता है। क्या हो? अच्छा, पहले उल्टा बोल, चलो समझ गए ना। तो अमीरों को उतना देते हैं, गरीबों की कुल सब्सिडी, हमने देखा ही आंकड़ा, गरीबों को कुल सब्सिडी अमीरों की टैक्स माफी से कम है, उसका एक बड़ा हिस्सा फूड सब्सिडी है, इसको भी लोग कम करवाना चाहते हैं कि ये बहुत ज्यादा है, जबकि इसकी असलियत यह है कि फिलहाल ये कानून सिर्फ 11 राज्यों में लागू है। यदि सब राज्यों में लागू हो जाएगा तो वो पैसे कम पड़ जाएंगे। बात समझ गए? तो अनुदान असल में है कम, ऊपर से जो कानून है उसके तहत हर परिवार को सिर्फ 5 किलो मिलने वाला है, जबकि मिनिमम 14 किलो मिलना चाहिए। वो भी गेहूं चावल और बाजरा वगैरह 5 किलो। सिर्फ गेहूं चावल से तो पेट भरता नहीं, उसके अलावा दालें वगैरह भी चाहिए, वो उसके बारे में एक्ट चुप है। कई राज्य सरकारों का इससे अच्छा कानून है, यानी तमिलनाडु जिसमें वो भ्रष्ट जयललिता राज करती थी, वो माताश्री के यहां पर जो कानून था उसमें वो सारे परिवारों को 20 किलो चावल फ्री में देते हैं, 20 किलो, ऊपर से दाल, गेहूं, साखर, सब सब्सिडाइज रेट पे मिलता है। जब तमिलनाडु कर सकता है जहां पर उतना भ्रष्टाचार है, तो केंद्र सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है, पैसा नहीं देना चाहती। सारा पैसा कहां गया? अमीरों को। बाकी योजना है, सबसे मजेदार है गंगा योजना, खूब गंगा गंगा हुआ ना, नदियों की साफ करेंगे। नदियों की सफाई का बजट में 70% कटौती कर दी है। उसमें गंगा के लिए अलग से एक बजट बनाया गया है जो इस मंत्रालय के तहत नहीं है। उन्होंने कहीं दूसरे एक पर्यावरण रक्षण के लिए एक बजट बनाया था, उसमें से पैसे निकालकर इसमें डाले हैं। तो गंगा की सफाई का बजट बढ़ गया है 600 कोटी, और बाकी नदियों के बजट में 70% की कटौती हुई है, यानी मूलामुथा वैसे ही रहेगी, गोदावरी कृष्णा वैसे ही रहेंगे, यमुना वैसी ही रहेगी, गंगा साफ हो जाएगी। क्या वो अलग, वो खा जाएंगे अलग। पंचायती राज के मंत्रालय में 98.6% जिस देश में खेती का संकट इतना गहरा है कि 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं और अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से डूबे हुए हैं, उस देश में सरकार ने
कृषि के दो महत्वपूर्ण विभागों में 25 और 30 टक्के के बजट में कटौती कर दी है। सिर्फ रिसर्च में बढ़ोतरी है, वो भी क्यों है आप जानते हैं क्या कारण है? रिसर्च कौन करता है? एक सरकार ने मंत्रालय, सरकार ने एक कमिटी बना रखी है जिसमें विदेशी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमने भाषण में बात की है, याद है? छह लोगों की कमिटी है जिसमें मॉन्सेंटो वगैरह के आदमी है, यानी भारत का कृषि रिसर्च अब अमेरिका डायरेक्ट करता है, तो उसके बजट में बढ़ोतरी हो गई 3% थोड़ी सी, और बाकी विभागों में कटौती है। ये खेती का हाल। लेकिन मिलिट्री पुलिस में कोई कटौती नहीं, उसके लिए पैसा पर्याप्त है। तो जो देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में है, जहां पर स्वास्थ्य में हम 171 नंबर आते हैं 175 में से, वहां पर मिलिट्री स्पेंडिंग में हमारा देश अलग अलग मानदंडों से 5वें से 8वें नंबर पर आता है, और हमारा कुल मिलिट्री बजट कुल सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर से 30% ज्यादा है, फूड सब्सिडी माइनस करके। ये मिलिट्री का बजट, जो पहले ही 3 लाख कोटी था, वो और 8.5% बढ़ा दिया। पुलिस का भी बढ़ गया, इसमें कटौती नहीं हो सकती, ये तो रक्षा का मामला है ना। आप आंदोलन करोगे तो पुलिस में कटौती कैसे करेंगे, लाठीचार्ज कौन करेगा? तो जितना ज्यादा दमन होगा, जितना ज्यादा सोशल सेक्टर में कटौती होगी, ये बजट को टच नहीं करेंगे, ये रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था बजट का विश्लेषण। ऐसा नहीं है कि यही हो सकता है। हमने उस दिन वेनेजुएला की फिल्म देखी, आप में से जो लोग थे, कई लोग मेरे ख्याल से थे उसमें, जहां पर विकल्प लागू हो रहे हैं, जहां पर जनता ने संगठित होकर नई सरकारें चुनाव में जीती हैं, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम बदल दिए हैं, जहां पर अमीरों पर टैक्स बढ़ोतरी हो रही है और गरीबों पर खर्चे बढ़ा दिए गए, ये संभव है। ये संभव है कि इस देश में भी सारे लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा फ्री में हो सके, ये संभव है कि नदियां साफ हो सके, ये संभव है कि बच्चे बिना इलाज के न मरे, ये संभव है कि माताएं स्वस्थ रहे, ये सब संभव है। ये संभव है कि जातीय शोषण अंत होने की तरफ बढ़े, लेकिन उसके लिए यदि लोग संगठित होते हैं और सरकार बदलते हैं, और ऐसी सरकार आती है जो कमिटेड है कि जनता पर खर्चे बढ़ाएंगे और हम देश को कंपनियों के नफे के लिए नहीं चलाएंगे, यानी ग्रोथ की डेफिनेशन बदल जाएगी। ग्रोथ की डेफिनेशन कंपनियों का नफा नहीं होगा, आपको मालूम है सारे कंपनियों के नफे आसमान छू रहे हैं। ग्रोथ की डेफिनेशन होगी कि लोगों की हालत सुधरी कि नहीं सुधरी। वो संभव है। बहुत ब्रीफली, वेनेजुएला में जब जनता ने संगठित होकर नई सरकार चुनी चावेस के नेतृत्व में, और चावेस की मौत के बाद अब फिर भी वही पार्टी सत्ता में है, माडुरो अब राष्ट्रपति हैं, वही नीतियां जारी हैं, उन्होंने अब संविधान के तहत यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक फ्री कर दी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक। और सिर्फ कागज पे नहीं, सरकार ने अभियान चलाए हैं कि सारे लोग जो स्कूल से बाहर हैं सभी शिक्षित हों, सारे स्कूल ड्रॉप आउट जो हाई स्कूल तक पढ़ाई छोड़ दिए हैं 8वीं 9वीं में, सब 12वीं पास करें, उसके लिए विशेष क्लासेस चलती हैं शाम को। और अभियान चलाया है कि यदि आपने 12वीं पास कर ली तो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे तो भी हम आपके लिए स्पेशल यूनिवर्सिटीज खोले हुए हैं कि आप नौकरी भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री भी ले सकते हैं।
और उसके तहत सिर्फ 2 साल के अंदर 15 लाख लोग जो निरक्षर थे उनको शिक्षित किया गया, 6 लाख लोग जो हाई स्कूल के पहले पढ़ाई छोड़ दिए थे उन सबको हाई स्कूल पास करवाया गया और लाखों की संख्या में लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। कॉन्शियस पॉलिसी लागू की गई है। हमारे यहां के जैसे नहीं कि कागज पर है लेकिन बजट ही नहीं है, वहां उन्होंने बकायदा अभियान चलाया। स्वास्थ्य के मामले में बकायदा अभियान चलाया कि हर बस्ती में क्लिनिक खुलेगा, सरकारी हर बस्ती में खुलेगा, शहर में एक नहीं ससून के जैसे, हर बस्ती में अस्पताल खुलेगा और वहां पर डॉक्टर रहेंगे। और चूंकि प्राइवेट डॉक्टर वहां जाने को तैयार नहीं थे तो सरकार ने स्पेशल स्कीम्स चलाई, 5 साल के अंदर इतने डॉक्टर, 10,000 डॉक्टर 5 साल के अंदर पैदा कर दिए, 5 साल ट्रेनिंग लगती है और उसके बाद वो लगातार डॉक्टर निकलते चले जा रहे हैं, और इतने डॉक्टर पैदा कर दिए कि हर बस्ती में क्लिनिक खुल गया। सिर्फ अस्पताल नहीं खुला, डायग्नोस्टिक सेंटर खुले हैं, मतलब जहां पर वो ब्लड वगैरह की जांच होती है, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर, मतलब जहां पर आप हड्डी में एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एक्सरसाइज वगैरह करानी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो हमारे देश में कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि जिम होता है, वो हर बस्ती में खोला है। देश भर में दवाइयों की दुकानें खोली हैं, फिक्स प्राइस पे दवाइयां मिलेंगी सस्ती। आई सर्जरी में उन्होंने अपने ही देश में नहीं, पूरे दक्षिण अमेरिका के लोगों को इनवाइट किया कि फ्री में आकर आई सर्जरी करा लो। 8 साल में 14 लाख सर्जरीज की हैं पूरे दक्षिण अमेरिका के गरीब लोगों को मुफ्त में, रहना और खाना भी फ्री है। अस्पतालों में आपने फिल्म में देखा होगा, वेनेजुएला वाली फिल्म में, अस्पतालों में न सिर्फ इलाज फ्री है, आपके रिलेटिव को रहने और खाने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, और जो रहने के कमरे बना रखे हैं उसमें एसी है और पलंग है और टीवी है, आप कल्पना कर सकते हैं। ये उन्होंने 10 साल के अंदर लागू कर दिया, सॉरी 13 सालों के अंदर लागू कर दिया। ये हो सकता है यदि लोग संगठित हो, अपने संगठन बनाए और फिर नीतियां लागू कर, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो अकेले नहीं है, वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर, निकारागुआ, एल सल्वाडोर, सभी देशों में ऐसी सरकारें सत्ता में आई हैं। अब ग्रीस में आई है, अगले साल पुर्तगाल में आनी चाहिए। हो सकता है, लोगों की जरूरत है कि लोग संगठन बनाए, तो ये सब हो सकता है। अगला, सबको घर मिल रहे हैं, सारी बस्तियों के लोगों को वहीं पर पक्के घर मिल रहे हैं। जो घर फर्निश्ड है उसके लिए उन्होंने वो एक पूरा अभियान चला रखा, उसका नाम ही रखा है माई वेल इक्विप्ड हाउस। वो फिल्म में आता है, उसमें लोगों को पूरी फर्निश के साथ, फ्रिज तक सरकार लोगों को घर के साथ देती है, फ्रिज भी मिलता है। सारे जरूरी सामान घरों के दाम फिक्स कर दिए हैं, साबुन वगैरह के। अनाज के लिए तो दुकानें खोल ही दी हैं, राशन की दुकानें जिसमें सिर्फ राशन कार्ड वाले हमारे यहां ले पाते हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। वहां पर पूरे देश भर में दुकानें जहां पर फिक्स प्राइस में हर एक को बढ़िया सामान मिलेगा, दुकानें खोल दी हैं। इतना ही नहीं, मीट की दुकानें भी खोल दी, और तो और रेस्टोरेंट्स खोले हैं पूरा चेन, जहां पर आपको जो जो इन्होंने तमिलनाडु में लागू किया है, इडली वहां पर उन रेस्टोरेंट्स में 1 रुपए में मिलती है, मालूम है ना, तमिलनाडु में लागू किया है। राज्य भर में चेन ऑफ शॉप्स खोली है सरकार ने, बढ़िया साफ सुथरी इडली 1 रुपए में। हो सकता, तमिलनाडु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो कोई प्रो पीपल सरकार तो है नहीं। वेनेजुएला ने कर दिया है पूरा चेन रेस्टोरेंट्स का,
जहां पर कि लोगों के पॉपुलर खाना है, जैसे हमारे यहाँ वड़ा पाव पोहे वगैरह हैं, सारा फ्री में, सॉरी सस्ते में मिलता है। ऊपर से सारे सीनियर सिटीजन, परिभाषा है 55 ईयर से ऊपर, महिलाएं पुरुष 60 साल से ऊपर, सबको मिनिमम वेज जो वेनेजुएला में काफी हाई है, सबको गारंटीड पेंशन मिलती है उतनी, सारे नागरिकों को। और उसके लिए अभियान चलाया है कि जो छूट गए उनको भी मिलना शुरू हो जाए, यानी कागज पर नहीं है। हमारे यहां 400 या 200 रुपए देते हैं, वो भी थोड़े से लोगों को, पता नहीं कितने को मिलता है। हाँ, उतनी शर्तें होती हैं, ये कागज लो, वो कागज भरो, वो कागज भरो, कि कभी कोई फर्क नहीं पता। वहां पर हर एक को दे दिया है। तो दोस्तों, परिवर्तन संभव है। वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और हमारे यहां यदि वो तमिलनाडु जैसी भ्रष्ट सरकार कर सकती है भले ही वोट के लिए, तो यदि जनता का संगठन केंद्र में सत्ता में आए और देश भर में आए तो हम कमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी बात समाप्त हुई। अब जो सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।